देखो एक पहिए लाग रहे पकड़न खातर यू हैंडल भी है तो इसने देखो आराम तो मैं भी खींच लूंगी तो लोग खींच लेंगे क्या बात होगी। ये देखो आप आराम तो मतलब इसने खींच सको कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा पहिया आगे लाग रहा दो पहिया पाछे लाग रहे हैं बारह लाग रहा है लकड़ी का होता लकड़ी आप देख लाग रहे हो कितनी मोटी लकड़ी है तो आराम से खींच लाग रही है। सारे दर्शकों ने मेरी प्यार भरी नमस्कार राम राम आदाब सत श्री अकाल मैं प्रियंका कोहाड़ और आज आपने दिखाऊंगे एक नई नई चीज़। हमने आप तक बहुत जुगाड़ दिखाए हैं नई नई चीज़ दिखाई है नई नई मशीन दिखाई है तो आप तक कुछ अलग दिखाऊंगे बीबी क्योंकि हम जो काम करें ज़्यादातर किसाना की भलाई खातिर कुछ अलग अलग दिखाते रहे हैं तो किसाना की भलाई के लिए किसाना के लिए किसाना की जरूरत की चीज़ एक दिखाएंगे। आपने लकड़ी देखी होगी तो लकड़ी कई बार है न्यून न्यान पड़ी भी रहा है काम भी नहीं आती और एक बार पहले उरेन देख लो उसके बाद दिखाएंगे। तो यह मशीन है देखो ऊँ तो या ऊँ देसी भाषा में कह दे लकड़ी पीसने की मशीन जो लकड़ी का बुरादा बना दे हैं और वो एक बार ये आपने दिखा भी दे इसका नाम है चिब्बर तो इसका नाम भी है जो अंग्रेजी में है और कंपनी का नाम आपने बता दे एक बार ऊपर देख लो उड़ा आपने दिखता होगा चिब्बर एग्री इक्विपमेंट तो मतलब यह आपने दिखने लग रही है और फिर बता दूँ आपने अमहड़ है बठिंडा का अगला स्टेशन है कोटकपुरा में इस टाइम खड़े हैं मशीन देखने लग रहे लकड़ी पीसने की जो कि लकड़ी का बुरदा बना दे है तो लकड़ी का बुरदा क्यों कर बना हुआ है एक बार इसके भीतर देख लें आड़े का लकड़ी जा है मेरे शब्द है बाकी हम सारी डिटेल पूछ लेंगे आड़े तो लकड़ी जाएगी आड़े का बुरदा निकलेगा देखने में तो बड़ी सुतरी लग है बाकी काम भी देखेंगे काम भी सुतरे हक देखने देखने में सुतरी है तो सारी चीज़ एक बार पूछेंगे आइयो सर एक बार बताइए सारी चीज़ इसकी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर यह है लकड़ी पीसने की मशीन एक देसी भाषा में कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको कहा जाता है वुड चिपर जो लकड़ी को बुरादा बना के इसको आप कहीं जगह उपयोग कर सकते हैं खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं जलाने के तौर पे यूज कर सकते हैं या बिछौने के तौर पे इसका उपयोग में लाया जा सकता है। तो सर जब लकड़ी ने मान ले बुर दे तो लकड़ी ले जलाने में काम आ जाए है और तो क्या है कुछ बनाने बुनने में काम आ जाए लेकिन लकड़ी के जो छोटे पीस रहे जब बड्डी है ना तो काट के कुछ भी बना दे हैं छोटे पीस इसमें पीस के जी तो वे फिर के काम कर रहे हैं। मैम जैसे कि अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो जब हम पेड़ों की छटा छटाई करते हैं बीच में टहनियाँ भी आ जाती हैं पत्तियाँ भी आ जाती हैं अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं टमाटर की फसल लेने के बाद जो टमाटर का तना बच जाता है किसी भी किस्म का आपके पास एग्रीकल्चर वेस्ट है चाहे वो लकड़ी है चाहे वो टहनियाँ हैं चाहे वो पत्तियाँ हैं उसको आप इसमें डाल के बारीक टुकड़ों में उसको बुरादा बना के अगर पत्तियाँ हैं तो उनको जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है सूखी लकड़ी को जलाने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है या उसकी हम खाद बना सकते हैं क्योंकि आजकल जो टाइम आ गया है लोग हम पेस्टिसाइड से दूर जा रहे हैं सभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रहे हैं तो ये जो लकड़ी का बुदादा है इसको हम खाद के तौर पे यूज़ करके ऑर्गेनिक खेती में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब देसी खाद बन सके सर जी तो सर वह तो अच्छी बात है देसी खाद है बढ़िया हमारे शरीर खातिर भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सर एक तो ये लकड़ी तो चलो ये आपने दर रखी है देखेंगे डेमो देखेंगे लकड़ी दर रखी ये तो बकान बकून की लकड़ी दिखा मैंने सर। हाँ ये मैम मिक्स जो लकड़ी है जो मार्केट से मिली है हम वो लेके आए हैं अभी लेकिन सर एक बिरा है हमारे हरियाणा में बाड़ी बहुत बोई जा है बाड़ी शायद आप जहाँ कपास बिल्कुल जी कपास जो कॉटन की होती है तो कपास की लकड़ियों को भी बिल्कुल मैम इसमें आप 7 से लेकर 8 इंच मोटा जो लकड़ी का तना है वो हम इससे डाल के उसका बुरादा बना सकते हैं। तो सर ये मतलब चल रहा क्या पे है मैम ये पेट्रोल इंजन पे चलती है जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे इंजन लगा हुआ है 7 HP 212 CC का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा हुआ है पेट्रोल इसमें डलना है पेट्रोल से यहाँ से हम लकड़ी डालेंगे और इस साइड से बुरादा इसका बन के बाहर आ जाएगा यहाँ से फेंकेगा और सर अगर एक जगह तो दूसरी जगह ले जानी होता है मैम ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमने हैवी ड्यूटी टायर लगाए हुए हैं इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हैं। मतलब देखो एक पहिए लाग रहे पकड़न खातर यू हैंडल भी है तो इसने देखो आराम तो मैं भी खींच लूँगी तो लोग खींच लेंगे क्या बात होगी। ये देखो आप आराम तो मतलब इसने खींच सको कोई दिक्कत नहीं है एक छोटा पहिया आगे लाग रहा है दो पहिया पाछे लाग रहे हैं तो इसका काम देखेंगे। वैसे सर एक बात बताओ कितनी की लकड़ी पीस दे जाते एक लीटर तेल में। मैम ये अगर इसकी एवरेज की बात करें तो घंटे का 700 से लेकर 800 ml ये फ्यूल कंज्यूम करता है पेट्रोल की खपत है 700 से लेकर 800 ml की और लकड़ी डालने की बात करें तो वो डालने की जो हमारी स्पीड है उसके मुताबिक है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक घंटे में 9 से लेकर 10 क्विंटल यानी कि 900 से लेकर 1000 kg लकड़ी को ये बुरादा बना सकती है मशीन। और सर जैसे आप लकड़ी ने पीसा है तो इसके अंदर ब्लेड होंगे। बिल्कुल मैम ब्लेड इसके अंदर यहाँ पे ब्लेड्स चलते हैं मैम इसके। और सर जैसे लकड़ी इसमें डालेंगे आड़े तेल डलती होगी ना सर लकड़ी। मैम यहाँ से लकड़ी डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमने रबड़ मैट लगाया हुआ है कि लकड़ी उछल के बाहर की तरफ नहीं आएगी। ब्लेड ब्लेड फंस जाए तो
मैम इसका सेफ्टी फीचर यही है कि इसका हॉपर बहुत बड़ा है, ब्लेड बहुत आगे की तरफ चलते हैं, आप जितना भी कोशिश कर लें आपके हाथ ब्लेड की तरफ नहीं जाएंगे। एक बार दिखाना इसमें, ब्लेड बहुत पीछे है, मतलब आते वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो ये आप देख सकते हैं। तो सर एक बार पीस के दिखा दूंगा, कारनामा करके दिखा दूंगा। बिल्कुल मैम, मैं आपको इसका वीडियो का पूरा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। तो दिखाओ सर एक बार लाइव डेमो करके इसका, तो लाइव डेमो इसका दिखेंगे एक बार, ठीक है, कारनामे देखेंगे। ये बताइए कि शक्ल देखी है कारनामे, और देख लेके क्या करेगी। सर ये आपने में लकड़ी डाली थी, मैं भी आड़े खड़ी थी, आप भी आड़े खड़े थे, तो सर वे लकड़ी क्योंकि सूखी भी लकड़ी वाली भी हुआ है, तो उल्टी आ गया मुंह पे भी लग सका, चोट भी मार सका है, तो उसका क्या इलाज है मैम? उसके लिए जो आपने बात की बहुत अच्छी बात की है, मैंने जो भी आपको डेमो करके दिखाया, डायरेक्ट डेमो करके दिखाया है, हम मशीन के साथ में ये हैंडल आपको देंगे कि जब भी आपने लकड़ी डालनी है इस हैंडल के माध्यम से आप प्रेस करेंगे, लकड़ी बाहर आने का कोई डर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल जी, तो भीतरा लकड़ी रह जाएगी चोट खाने वाला, बाकी मैंने तो नहीं सोची थी वहाँ चोट साठ मारने वाली चीज़ है, कदम उल्टी आ आँख नाक में लाग जा थोड़ा और बिगाड़ दे, तो यो सर ने वो बढ़िया चीज़ बताई, आप देखना करो इस बार लकड़ी नहीं आओगी, भीतर भीतर जाएगी, बाहर नहीं आओगी। अच्छा सर एक और चीज़ बता दो मैंने, तो एक तो आपने हमने इसका काम देख लिया, सारी चीज़ देख ली, देखने में भी सुतरी लग गया है, काम भी सुतरे हैं बिल्कुल, वो क्या कर रहा है जिसकी शक्ल है उसका ही काम। तो सर एक तो इसका दाम बता दो, क्योंकि हमारे दर्शक फिर पूछेंगे दाम कितना इसका, तो वो चीज़ बताओ पहले। ये जो मशीन है इसकी कीमत है 75,000 रुपया। 75,000 में हिंदुस्तान के हर एक कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम किसान भाई के घर तक डिलीवरी के साथ में देंगे। इसके अलावा आपको कोई इसका अलग से ट्रांसपोर्टेशन या GST नहीं देना है। मशीन को ऑर्डर करने के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर्स पे, मैं नंबर बोल देता हूँ, मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007, मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855219706 और 9812-31007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है shabbaragri.com के नाम पे, हमारा फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब चैनल है। जब भी आपने ऑर्डर करना है आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, अगर किसी कारणवश हम आपका कॉल पिक नहीं कर पाए तो हमारा टेलीकॉलर स्टाफ आपको कॉल बैक करेगा। जो भी हमारा स्टाफ आपको कॉल बैक करे आप उनसे कहिए कि मेरी राहुल या पादुल से वीडियो कॉल पर बात करवाएं, हमारे साथ बात करने के बाद ही आप ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर करने के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना है, अपना नाम पता देना है, हम यहाँ से मशीन प्रॉपर लकड़ी के डिब्बे में पैक करके आपके दिए गए एड्रेस पे डिस्पैच करेंगे। जब मशीन आपके दिए गए लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी आपको बकाया राशि हमारे अकाउंट में जमा करवानी है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर तक होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब कुल मिलाकर मशीन है 75,000 की, और पहले 10,000 देकर इन्हें बुक करवा सको हो ग्राम मंगवान खातर, बाकी के पीछे फेर दे इसको, जब सही सलामत आपके शहर में पहुंच जाएगी। तो जब आपके शहर में सही सलामत पहुंच जाएगी बाकी के पीछे आप दे इसको हो, पहले देखोगे बाड़ोगे भी सही तरिया मशीन आ रही है कि ना आ रही है, उसके बाद बाकी के पीछे देने हैं, क्योंकि गांधी ऊँ को ना कमाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल तक कमाए जा है। तो सर एक बार ये मतलब बिजनेस के लिए किन किन बिजनेस मतलब के लिए तैयार की जाती है मैम? ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे कई किस्म के आप अपने जो वेस्टेज है आपके पास उसको आप जलाने के तौर पे इंडस्ट्रीज़ में दे सकते हो, खाद खुद भी बना सकते हो, खाद बना के आगे मार्केट में सेल कर सकते हो, जो पहाड़ी एरियाज़ में किसान बैठे हैं उनको बिछौने के तौर पे दे सकते हो। अगर आप खुद ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो जो बेड के ऊपर मल्चिंग के तौर पर इसको बिछाया जा सकता है, यानी कि जो भी आपकी वेस्टेज है आप अपनी वेस्टेज से ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, कारोबार भी शुरू कर सकते हैं जी। इसको आप आगे किराए पर भी दे सकते हो, आगे किराए पर दे के आप घंटों के हिसाब से किराया भी जनरेट कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक खेती वे आजकल किसान मतलब उस खेती ने जो गणा है यूरिया फलाने डकड़ मकड़ चीज़ गिर है ना, और उससे शरीर खराब हुआ है, तो हमारे बड़े बुढ़े कहते आए हैं पहला सुख नहीं रोगी का, यार ये बात सच्ची है, हमारा शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जान है। और एक चीज़ और आपने बता दूँ, हम पंजाब में है
तो पंजाब का आपने बेरा भी होगा, जितने भी जुगाड़ जितने भी चीज नहीं आवे है तो वो पंजाब गढ़ है इन चीज़ों का, तो पंजाब से निकल कर कहीं ना कहीं वे चीज जहाँ है पूरे इंडिया में, तो पंजाब में नए नए जुगाड़ बनाए हैं, नई नई चीज़ बनाए हैं, क्योंकि सर और भी अगर ट्रैक्टर टुकटर की बात करें तो सारे पंजाब से निकल के। बिल्कुल जी, पंजाब टेक्नोलॉजी का हेड है खास करके खेती बाड़ी की मशीनों में। हाँ तो बिल्कुल, मतलब किसानों की अगर बात करें तो किसान यहाँ से मतलब किसी प्रकार के भी ट्रैक्टर या फिर ये मशीन आप देखना लाग रहे हो, सारी चीज़ आपने दिखना लाग रही है, कहने की जरूरत को ना कि पंजाब इन चीज़ों का गढ़ है, तो पंजाब इन चीज़ों का गढ़ है और आपने देख ली तो इस बिजनेस भी शुरू कर सको हो और जो वेस्ट लकड़ी है आपकी वो भी शुरू कर सको हो। लोकेशन आप तब बता दी है प्रॉपर जो बठिंडा है, लोकेशन दोबारा बता दो। अच्छा सर एक और चीज़ जो इसकी रहेगी जो मैंने पहले भी आपसे पूछी थी, वारंटी, क्योंकि सर देखो किसान भाई है ले जाएंगे इतनी दूर तक, जाते चीज़ खराब हो जाए के फायदा है। मैम वारंटी की बात है, छिब्बर एग्रीक्यूपमेंट्स जाना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, हम अपने किसान भाइयों को 12 महीने यानी कि एक साल की वारंटी देते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हमने 4 स्ट्रोक का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगाया है, आपके लोकल जो भी बाइक मैकेनिक है या स्कूटर मैकेनिक है वो आसानी से इसको रिपेयर कर देगा। और अगर सर इसके पार्ट की बात करें, जैसे इसके अलग अलग पार्ट लगे हुए हैं, मान लो 12 महीने की तो आपने गारंटी दे दी, 12 महीने पाछे कुछ पार्ट खराब हो गया, मान लो जंग जंग लाके कोई भी चीज़ होगी तो 12 महीने पाछे क्या करेंगे फिर? मैम उसके अलावा किसी भी टाइम आपको कोई पार्ट चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे आप पार्ट मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे ही। तो मतलब वो घर बैठे पार्ट मंगवा सको, वो अभी समस्या को नहीं खत्म है, और किसी भी टाइम मतलब यो पार्ट खराब हो गया या यो खराब हो गया तो मतलब कड़े तो मंगवाओगे क्यों कर अरेंज करेंगे, तो आप सर तक बात करके और वो भी चीज़ सारी मंगवा सको हो। तो ये आपने देख ली किसी लागा है मरते भी जरूर बताइयो, और भी आपने नई नई चीज़ दिखावेंगे पंजाब तो मतलब फिलहाल चल रहे हैं पंजाब में, तो पंजाब में तो जो पंजाब का गढ़ है जो किसानों की चीज़ यहाँ तक मिले है, तो सारी चीज़ धीरे धीरे करके आपने दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।